मैं जापान गया तो जापान मेरे कार्यक्रम में मैंने एक कार्यक्रम क्या जोड़ा, मैं वहां एक नोबेल लॉरियट साइंटिस्ट याकामा को मिलने गया। क्यों? मैं इसलिए किया गया कि उन्होंने स्टेम सेल के अंदर जो रिसर्च की है, मैंने जितना पढ़ा था तो मेरे मन में आया था शायद इनकी एक खोज हमारे काम आ सकती है क्या, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे देश के आदिवासी उन आदिवासियों को परंपरागत रूप से सिकल सेल की भयंकर बीमारी से जूझना पड़ रहा है और सिकल सेल की बीमारी कैंसर से भी भयंकर होती है। जिन्होंने सिकल सेल की बीमारी वालों के विषय में पूछा है तो पता चलेगा ये कितनी पीड़ादायक होती है और पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, अभी तक उसकी कोई दवाई नहीं मिली है। एक आशा लगी है कहीं स्टेम सेल के द्वारा सिकल सेल की बीमारी से मुक्ति हो जाए। हम गए तो वहां गए, उनसे चर्चा की और बेंगलोर के हमारे साइंस इंस्टीट्यूट के साथ आज उस दिशा में हमारा काम हो रहा है कि स्टेम सेल्स के द्वारा हमारे युवा साइंटिस्ट कुछ खोज करें, मेरे आदिवासी भाइयों को पीढ़ी दर पीढ़ी जो परेशानियों से जिंदगी गुजारनी पड़ती है उससे वो बाहर आए। आजकल हर दूसरा व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से परेशान है। कुछ बीमारियों का इलाज संभव है और कुछ का संभव नहीं है। मैं आपको जिस खोज के बारे में बताने जा रहा हूं, वह इस सदी की सबसे बड़ी खोज है और वह है स्टेम सेल। अगर हम स्टेम सेल के बारे में जान लें तो हमें पता चलेगा कि करीब करीब हर बीमारी का इलाज स्टेम सेल से संभव होता जा रहा है। आप इस वीडियो को जरूर पूरा देखें क्योंकि इससे आपको और आपके परिवार के किसी सदस्य को फायदा मिल सकता है। जब एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ से जन्म लेता है तो उसकी नाभि अपनी माँ के साथ जुड़ी रहती है और इस नाभि के अंदर जो ब्लड होता है उसे स्टेम सेल कहते हैं। जब माँ की गर्भ में आर्तवशोथ से पितृशोथ मिलते हैं तो मांस का एक छोटा सा गोला बनता है। यह गोला स्टेम सेल कहलाता है। जैसे ही यह गोला बढ़ता है उससे बच्चों के हाथ, पैर, आंखें, कान, नाक जैसे अंग बनते हैं। इसी प्रकार दिल, किडनी, लीवर, आंत और बाकी सभी अंगों का निर्माण स्टेम सेलों से होता है। स्टेम सेल मूल रूप से सभी अंगों के निर्माण में मदद करता है क्योंकि स्टेम सेल विभिन्न प्रकार की विशेष सेल्स का निर्माण करता है, जैसे न्यूरॉन्स ब्रेन के लिए, कार्डियक सेल्स हृदय के लिए और अन्य 220 प्रकार के आर्गन का निर्माण करता है। अगर हम इस नाभि और इसके अंदर के ब्लड यानी स्टेम सेल्स को संभाल कर रखें तो आने वाले 25-30 साल तक बच्चों को गंभीर बीमारियों से बचाया जा सकता है। जब बच्चे को कोई रोग हो जाए तो संभाली गई नाभि से स्टेम सेल को निकाल कर उनको विशेष सेल्स में परिवर्तित कर बच्चों के शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाता है। इससे बच्चों के शरीर के अंदर के संबंधित सेल्स की सभी बीमारियां जड़ से समाप्त की जा सकती हैं। लेकिन इस नाभि को ब्लड बैंक की तरह संभालने और पुनरारोपण का खर्च बहुत अधिक होता है जिसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। सभी अंगों के स्टेम सेल अलग अलग होते हैं लेकिन मूल रूप से स्टेम सेल सभी अंगों का निर्माण करने में सहायक होते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि हृदय के कुछ सेल्स नष्ट हो गए हैं, कुछ कमजोर हो गए हैं और कुछ अच्छे हैं लेकिन अपने सही स्थान पर स्थानांतरित नहीं हो पा रहे हैं। इस स्थिति में हृदय का उपचार स्टेम सेल से किया जा सकता है। पहले स्टेम सेल्स को कार्डियक सेल में कन्वर्ट किया जाता है, फिर आपके शरीर के अंदर हृदय में इंजेक्ट कर दिया जाता है जिससे हृदय को नया जीवन दिया जा सकता है। दोस्तों, अब आपको स्टेम सेल के बारे में समझ आ चुकी होगी और कि यह कितना महत्वपूर्ण है। इसी बात को समझाते हुए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टेम सेल की रिसर्च में काफी दिलचस्पी ली थी। आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। और साथियों, जो स्टेम सेल मां की नाभि के अंदर होते हैं ठीक वैसे ही कुछ स्टेम सेल फलों में भी पाए गए हैं। यह स्टेम सेल किसी भी इंसान के ऊपर मां के स्टेम सेल की तरह ही काम करते हैं और इसका प्रयोग करके हम किसी भी बीमारी को नष्ट कर सकते हैं। यह स्टेम सेल स्विट्जरलैंड के एक वैज्ञानिक डॉक्टर फ्रेड जूली ने हरे सेब और लाल अंगूरों के अंदर से खोजे हैं जो स्विट्जरलैंड की विशेष प्रजातियों के अंदर पाए जाते हैं। इस सेब के स्टेम सेल को मालिस डोमेस्टिका और अंगूर के स्टेम सेल को सोलरविट्स कहते हैं। मां की नाभि से मिलने वाले स्टेम सेल सिर्फ बच्चे
और उसके माता पिता के ही काम आ सकते हैं, लेकिन फलों से मिलने वाले स्टेम सेल किसी भी इंसान के ऊपर माँ के स्टेम सेल की तरह ही काम करते हैं, और यह फलों के स्टेम सेल इंसानी शरीर में नए सेल बनने की प्रक्रिया को तेज कर देते हैं, जिसकी वजह से इसका प्रयोग करके हम किसी भी बीमारी को इंसानी शरीर से नष्ट कर सकते हैं। और फलों से पाए जाने वाले यह स्टेम सेल पूरी मानव जाति के काम आ रहे हैं। सालों की मेहनत के बाद काफी देशों में लाखों लोगों के इलाज में यह स्टेम सेल सहायक हो चुके हैं और हो रहे हैं। इसी काम को आगे बढ़ाते हुए सिंगापुर की एक कंपनी नेचर फॉर एवर ने बायोसिलिक्स नाम की बहुत अच्छी फॉर्मुलेशन तैयार की है, जिसमें सेब के स्टेम सेल मालिस डोमेस्टिका और अंगूर के स्टेम सेल सोलर विट्स के अलावा एस्ट्राजेंथिन, मेलोन एसयूडी, कोएंजाइम Q10, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी और भी बहुत अच्छे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, जो प्रोडक्ट की इस फॉर्मुलेशन को बहुत ही शानदार बनाते हैं। जो कोई भी इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है उसकी हेल्थ बहुत तेजी से सुधरेगी। इस प्रोडक्ट की फॉर्मुलेशन बहुत ही शानदार और अत्यधिक प्रभावी है। खुद को और अपने परिवार को क्रोनिक बीमारियों से बचाने के लिए बायोसिलिक्स का इस्तेमाल जरूर करें और इस जानकारी को अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों से जरूर साझा करें। धन्यवाद।